फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर धुआंधार प्रचार चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फतेहपुर सीकरी पे भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चार के समर्थन में बाह के जरार में जनसभा को संबोधित करने आए। भाजपा प्रत्याशी सांसद राजकुमार चाहर ने अपना संबोधन दिया। कम काम के लिए राजकुमार चाहर ने जनता से माफी भी मांगी, साथ ही बाह को जिला बनाने का भी वादा किया। ये राजनीति है, राजनीति में तराजू का पल्ला एक जैसा नहीं रहता है। राजनीति में कब किसकी हवा चल पड़े कुछ नहीं कह सकता, कब हवा किसकी तरफ मुड़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हर चुनावों में ऐसा ही होता है, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी अखाड़े में उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक जनसभा कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जनसभाएं भाजपा के नेता करने में जुटे हैं। एक नेता जाता है, दूसरा नेता जनसभा को संबोधित करने के लिए आ जाता है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट को गंभीरता के साथ ले रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा में आगरा ना आए ऐसा हो नहीं सकता। जब भी चुनाव होते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा जरूर आते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के जरार में राजनाथ सिंह की सभा थी। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चार के समर्थन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा करने पहुंचे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पहले मंच पर आते हैं भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चार और अपना संबोधन शुरू कर देते हैं। साथियों, मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं एक छोटे किसान परिवार से आता हूं, मैं किसी बड़े परिवार से नहीं आता, मैं किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आता और मेरे परिवार में कोई राजनीति में भी दूसरा नहीं है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप सबने, क्षेत्र की जनता ने प्रधानमंत्री बनाने के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना और अपने राजकुमार को अपना सेवक बनाकर जनता के बीच में सेवा करने के लिए भेजने का काम किया। सबसे पहले राजकुमार चार कहते हैं किसान परिवार से हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने सबसे पुरानी पेयजल की समस्या को दूर करने का प्रयास किया, गंगा जल को लेकर आए। 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अब हर घर को नल से जल मिलेगा। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी पेयजल की, पीने के पानी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने सैकड़ों साल पुरानी पानी की समस्या का समाधान कर दिया है। इसी साल के अंत तक 4,000 करोड़ की योजना दी है, हर घर नल और हर घर नल से मिलेगा गंगा जल, ऐसा करने का काम मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चार कहते हैं उनके प्रयासों से आलू अनुसंधान केंद्र बन रहा है, तमाम योजनाओं पर काम चल रहा है, बाह को जिला भी बनवाएंगे और बाह में स्टेडियम भी बनवाएंगे, शहीद स्मारक बनाने की बात भी कहते हैं। आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी आगरा में खुलेगा, आज ITI बन खुल गए, राजकीय महाविद्यालय बन गए, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और वो समय भी जल्दी आएगा जब आगरा से सबसे दूर नजर आता है बाह, बाह एक दिन जिला बनेगा, जिला बाह एक दिन जिला बनेगा, सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। बाह के अंदर मेरे नौजवान खिलाड़ी बहुत हैं, या सैनिक बहुत हैं, पूर्व सैनिक बहुत हैं। मेरे बाह के लोगों ने, आगरा के लोगों ने, मेरे नौजवानों ने देश में रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दिया है। बाह के अंदर शहीद स्मारक, भव्य शहीद स्मारक बनाने का भी काम करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, हर तहसील के अंदर एक मिनी स्टेडियम बने, हमने बाह में भी जमीन तलाश के प्रस्ताव करा दिया है, अगले एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर बाह के अंदर स्टेडियम भी आपको नजर आएगा। साथियों,
अब बारी थी राजकुमार चार के माफी मांगने की। सांसद राजकुमार चार कहते हैं, बस इतनी सी खता हो गई, कम आए, अब ऐसा नहीं होगा, अब बार बार आएंगे, अनेकों बार आएंगे। सांसद राजकुमार चार हाथ जोड़ते हैं, जनता से माफी मांगते हैं, छोटे से अपराध की बड़ी सजा ना दो। साथियों, कम आए हो ना, काम करे हो, लेकिन कम आए हो, लेकिन गंगा जल लेके आए हो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर, गंगा जल को लेके आपके बीच में आया हूँ, आलू का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र लेके आया हूँ, आईटीआई लेके आया हूँ, राजकीय महाविद्यालय लेके आया हूँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आया हूँ, सड़कों के जाल बिछाने के काम किए, ठीक है, कमे आया हूँ, आप जनता हो, मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं कमे आया हूँ, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहता हूँ, कमे आया हूँ, मुझे माफ कर दियो, अब कि ज्यादा आ जाओ राजकुमार चार आपके बीच में रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जनता जनार्दन से माफी मांगने के बाद राजकुमार चाहर राम मंदिर के मुद्दे को उठाते हैं, कहते हैं, हम राम मंदिर के समर्थक हैं, इसीलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर का निर्माण करने वाले लोग हैं, और एक तरफ राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। जो फैसला आप लोगों को करना है कि राम के भक्तों का साथ देना है या कंस के भक्तों का साथ देना है, साथियों में एक बात अंतिम रूप से कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा। राजकुमार चार भावुक थे, भावुकता को देखकर जनता भी भावुक होती दिखाई दी। जिस अंदाज में राजनाथ सिंह ने राजकुमार चार के समर्थन में सभा की और राजकुमार चार ने भरी सभा में माफी मांगी, उसका असर भी होता दिखाई दे रहा है। कितना असर होगा इसका पता 4 जून को चलेगा। भाके जरार से अपने साथी विजय बघेल के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज, आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।